আমান ট্রাইপড থামবো ভিডিও ভিডিও চুতে পান চল টাইম পাস চল রা কিপ সাইলেন্ট রেডি ভিডিও রে আয়া ফটো হ্যাঁ এক ভিডিও ভিডিও ভি বনা দো উনকো পুছতে সে হ্যাঁ এক ব্যক্তি হ্যাঁ কি আপকো সঠিক কি ঠিক কেসা লাগে হ্যাঁ চলো একদম বল না বল না हाँ जी जो अपने इस सेवेट मूवी में जो ये सीन था शादी वाला इसमें आपको कैसा फील हो रहा है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ये सीन में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अच्छा चलो अच्छी बात है मैम आपको कैसा फील हो रहा है अच्छा लग रहा है ना सर आपको कैसा लग रहा है एक्चुअली मेरी मतलब फ्रेंड राजकिरण जी स्पेशल राजस्थान से है ए और अमन जी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली न्यू ड्रीम पूरा जो मेरी टीम है अभी ये फिल्म में कम से कम 80% लोग नए हैं लेकिन इनके सब काम करके बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत मजे भी आ रहे हैं हम पूरा मतलब शूट के शूट करते हैं प्रॉपर और टाइम पास के टाइम पास भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगा और सभी इधर बहुत लविंग पर्सन है मतलब बहुत प्यार भी करते हैं हमसे तो थैंक यू फॉर टीम ये मैम मुंबई से हैं मैम अपना परिचय दो नाम मेरा नाम वैशाली जाधव मुझे इनके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल घर जैसा है सब लोग बहुत प्यार करते चलो अच्छी बात है मैम नमस्कार मेरा नाम पुष्पा चौधरी है मैं पुणे से आई हूँ ये फिल्म में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा सब टीम बहुत अच्छी है और मुझे बेटे जैसा फील आया मैंने बेटे की शादी की है मेरे ऐसा मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ये हमारे गवर्नमेंट लोग हेलो मैं काजल चौहान इस फिल्म में मैं चीफ असिस्टेंट हूँ और सर का डायरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला तो ये जो मैं शादी देख रही हूँ तो मुझे ऐसे सच में फील हो रहा है कि सच में शादी हो रही है सो बहुत इंजॉय किया थैंक यू चलो अच्छी बात है और ये हमारे कैमरामैन सत्या सर और इनके साथ जयराज सर हाँ तो सर आपको कैसा लग रहा है मुझे मतलब बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय भी किया मैंने और शूट के टाइम भी बहुत मज़ा आया मुझे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है डी ओ पी जयराज बहुत अच्छा लगा ये है हमारे गांधी जी महात्मा गांधी जी की फैमिली से हैं ये बहुत अच्छे बंदे हैं ये बहुत मतलब नाइस पर्सन और ये हमारे गुड्डू दादा दोनों सर अपना अपना परिचय दीजिए मैं संदीप प्रद्युम्न गांधी आप लोग से मैं ये टीम से जो जुड़ा हूँ मुझे स्वर्ग में आ गया ऐसा लग रहा है लेकिन ये जो पिक्चर के जो सब सीन है वो तो बहुत बढ़िया ले यूडी सर ने और ये राजस्थान से जो डायरेक्टर साहब आ गए हैं राजकिरण साहब और ये पूरा जो टीम है मेरे को घर परिवार जैसे लगा इसलिए इन्होंने मेरे को जो क्रेडिट दिया महात्मा गांधी का इसलिए फिर एक बार धन्यवाद संदीप गांधी की तरफ से ये हमारे दादा मेकअप मैन दादा गुड्डू दादा ये कुछ बोलेंगे आपसे हेलो फ्रेंड्स आई एम कमलकर चौहान आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ फिर भी मुझे सर ने एक पंडित का रोल करने के लिए दिया और जब मैं वो बोल रहा था और जब ये सीन हो रहा था तब हमारे पंडित जी सोए हुए थे नहीं सोए नहीं हुए थे मेरे आंखों में पानी आ रहा क्योंकि मेरी दीदी भी आए शी इज माई सिस्टर शी इज माई लवली सिस्टर एंड वो भी मेरी दीदी है
तो मैं ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से मेरी दीदी की शादी कर रहा हूँ. मैं आई हैव लॉट्स ऑफ एंजॉय दिस थिंग. थैंक यू सो मच. और एक जो पेपर पत्र का नाम जिसका भी याद आया, ये सब का मेकअप करते हैं लेकिन ये मेकअप मैंने किया है इनका. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अरे दगड़ू जी, ये हमारे मूवी के अहम किरदार दगड़ू जी, इनसे मिलिए. नमस्ते, माय नेम इज अमोल गायकवाड़. मैं मुंबई से आया हूँ. ये मूवी में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है. यहाँ की टीम बहुत अच्छी है. सर अच्छे हैं, रायसन जो सर आए हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. सब टीम अच्छे है. थैंक यू वेरी मच. और ये सर हमारे पजामा वाले सर, एक चीज नॉर्मली रख रहे हैं, एक यादगार उसके लिए. मेरा नाम अशोक भवन, मैं पूना से हूँ. मुझे 18 तारीख से इस फिल्म में इतना मजा आ रहा है, इतना इंजॉय कर रहा हूँ मैं. बहुत अच्छा लग रहा है. और टीम के सभी अच्छे हैं कि हमारे राजस्थान से आए हैं राजकरण बिश्नोई साहब, और ये हमारे डायरेक्टर है उदय. आइए ना आगे. हेलो उदय साहब, इनके बहुत ही इनके अच्छे नेचर, बहुत अच्छा लगा मुझे. चलो थैंक यू. रविराज और रविराज रोहित हमारे बड़े राम अमन रामेश्वर प्रसाद ये रहे दीपक चलो. और तुमच्या पाय सगळ्यांचे पुढे गेले ते पाटीलजी गाणे सायलेंट सायलेंट सायलेंट. ये हाय, आई एम रश्मि भोसले, मैं पूना से हूँ. पूरी टीम मेरे लिए नहीं है लेकिन इतना अच्छा लग रहा है. और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ. अपने घर जैसा माहौल है. और आई तो शूट पर हूँ लेकिन लगता है कि घर में आई हूँ. बहुत अच्छे लोग हैं हमारे सर, ये हमारे मेहमान, लेकिन इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है. हाय हेलो, मैं मनीषा वाघमारे, मी मुंबईत आलो आहे. आणि मी खास माझ्या मुलगीसाठी आलो आहे, पण ह्या सर्व लोकांनी ह्या सरांनी मला जास्त उत्साहन दिल्यामुळे मी फिल्ममध्ये काम करते. मला खूप छान वाटते. मी स्वप्नामध्ये पण पाहिलं नव्हतं की हा मला रोल मिळेल आणि मी पिक्चरमध्ये काम करेल. मला एवढा आनंद झाला आहे ना की खूप आनंद झाला आहे. सरांची मी आभारी आहे. पण एवढे मस्त लोक आहेत सर, सगळे चांगले माझं नाव प्रसाद भगवानगडे. माझं नाव प्रसाद भगवानगडे. मी या मूवीचं जे लोकेशनचं मॅनेजमेंट आहे ते मी सर्व बघतो. आता ही मूवी जवळजवळ निम्मी शूटिंग झालेली, पण या मूवीमधले सर्व लोक म्हणजे इतके प्रेमळ, इतके मायाळू आहे की ह्यांच्यावर आणखीन एखादी मूवी करू शकते. आणि जसं की आपले राजकरण सर आणि युडी सर यांच्या माध्यमातून एवढे सगळेजण आले, एवढे टीमवर एवढा एन्जॉय करतो. आणि एक ग्रामीण भागातलं वातावरण कसं असतं, जे सिटीतलं आणि सिटीतल्या लोकांना ग्रामीण भागातलं वातावरण जे आवडतं ते या मूवीमध्ये पण पाहायला भेटतं. आणि जे सर्वजण एक टीमवर्क म्हणून काम करतात त्यामुळे खूप मजा येते आणि खूप एन्जॉय करते. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू. माझं नाव कारण्य बजराम, मी पुण्याहून आलो आहे. मेन म्हणजे माझा पहिलाच पिक्चर आहे आणि मी हे भाग्य समजतो की मला राजस्थानहून आलेले राजकारण बिश्नोई सर आणि युडी सर हे दोन चांगले म्हणजे एकदम मनातून प्रेम करणारे माणसं दोन मिळाले. आणि हा पहिला मूवी असल्यामुळं सुरुवात माझी चांगल्या डायरेक्टरपासून झाली ते माझं भाग्य मानतो. हा मूवी सगळीकडे चालणार हे मला पहिल्यापासून वाटतं. आणि पूर्ण टीम यांनी सहकार्य केल्याबद्दल खूप खूप आभार. ओके थँक्यू.
नमस्कार, मैं रामेश्वर मुंडे जो राजस्थान से राजकरण सर आए, इनके आभार मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र में कम से कम 2500 किलोमीटर पार करके इधर आए उदय वारेकर, ये डायरेक्टर है, इनको साथ देने के लिए, जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है हर मूवीज में कैसे डिफरेंट पर पॉइंट पॉइंट निकाल के बनाते, कोई भी गलत ना हो, क्योंकि इतने मेहनत करता है, इतना वर्कआउट करते हैं, कम से कम 6 महीने से वर्कआउट कर रहे थे उदय वारेकर सर, मैं प्रोड्यूसर महेश खटाटे, रामेश्वर मुंडे, प्रसाद एंड दीपक सब मिल के काम कर रहे हैं, बस अभी ये मूवमेंट आया, मूवमेंट के बस सब क्या बात फिर दिल से मेन की रामेश्वर मुंडे जी हमारे फिल्म के शेवट फिल्म के राइटर है, एज अ राइटर है, देख सकते हैं आप क्लैपबोर्ड पे उनका नाम भी है, और एक संदीप जी है वो बीमार है इसलिए अभी आज नहीं आए हैं, तो सॉरी क्लैप पे नाम नहीं डाल रहा है रविदास, दीपक, अजय, अमन, नमस्कार, माझं नाव दीपक फाटाले, हा माझा पहिला चित्रपट आहे, मराठी चित्रपट, आणि एवढी सरांसोबत काम करताना मला खूप छान वाटत आहे, आणि त्यांच्यासोबत अजून राजकारण सर आले आहेत, तर त्यांचं शिकवण्याची पद्धत किंवा जी काही बनवण्याची पद्धत आहे ती खूप म्हणजे वेगळी आणि छान वाटते मला, आणि आताचा जो सीन चालू होतो लग्नाचा, खरंच नवरा आणि नवरी समोर थांबलेला आहे, माझं आम्ही अक्षरा वगैरे एखाद्या लग्नात कसं भटजींना वगैरे मारतो तो फील येत होता आम्हाला, आणि त्यामध्ये या कॅरेक्टरमध्ये मला लुक दिलेला आहे, तेव्हा असं फन्नी म्हणजे बघू शकता तुम्ही दिलेला आहे, म्हणजे खूप एन्जॉय होतं इथं माझा, आणि सगळे लोकांच्या फॅमिली सारखे की कुठला असा बर्गर नाही आहे किंवा समोरचा माणसासारखं वागवत नाही आहे आम्हाला, सगळे छान आहेत, म्हणजे सगळे गोडे, थँक्यू नमस्ते, मेरा नाम रविराज चौहान है और ये मेरी पहली फिल्म है यूडी वेराकर और राज करण बिश्नोई के साथ, ये राजस्थान से यूडी सर के लिए आए, हम सबकी मदद करने आए, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये हम सब एक फैमिली मेंबर जैसे रह रहे हैं, अगर हम साथ में शाम में शूट कंप्लीट होने के बाद जाते हैं बैकअप के लिए, सब एक दूसरे को एक अगर सर का सर भी दिखता है रात में तो अपने मेकअप दादा जो है इनका सर था बाकी सब एक दूसरे के इतना कॉपरेट करते हैं, केयर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ओवर ये शूट इतना एक्सपीरियंस लेवल अच्छा रहा है इसका, मुझे सीखने के लिए इससे बहुत कुछ मिला, खासकर इन दोनों से तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हाय, मेरा नाम अजय चेंडगे है, मैं पुणे से हूँ, ये मेरी पहली मूवी है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस मूवी से, ये मूवी मुझे यूडी सर की वजह से मिली है, और इस मूवी में जो सीखने को मिला सब कुछ मुझे वो राजस्थान से आए हुए सर राजकरण सर की वजह से सीखने को मिला, मैं इस मूवी से बहुत कुछ सीखा हूँ। हमारे जो गुरुदेव भाई हैं ये भी तो मतलब बहुत सबको सिखाते हैं, सब कुछ इनका प्यार है, दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे तो बुलाया यहाँ पे, एक मौका दिया मेरे को भी यूडी सर ने कि मैं अपना कुछ दिखाऊं, ये टैलेंट यहाँ पे जो है मेरे पास वो मैं दिखाऊं महाराष्ट्र में आके, ये सब यूडी सर की वजह से, तो इनको मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ। I am Amandurya from Sukhmar, Rajasthan. I am very enjoying in your our film Shevat. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मैं घर से मेरे घर से कम 2500 किलोमीटर दूर आके यहाँ फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं घर से इतनी दूर हूँ, ये यूरी सर हैं, राजकरण सर हैं, इनके साथ मिलके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इस फिल्म में काम करने से मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा हूँ, थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आखिर ना देखो ये मुंडे जी नमस्कार, मैं रोहित रमेश, मुझे प्रॉपर सांगली से हूँ, और फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का पैसा दे रहा हूँ, और मुझे मौका मिला, यूनिट सर ने मौका दिया, और जो इस फेवर फिल्म की शूटिंग चल रही उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, जो सर जी छोटी छोटी बात पे
जो सिखाते हैं छोटे छोटे बात में, मतलब शूटिंग कैसे करने का है वो सब सिखा दिया। और हमारे जो महाराष्ट्र में इस फिल्म के लिए मेहमान आए जो अपने डायरेक्टर साहब बहुत दूर से, मतलब 2,500 किलोमीटर दूर से आए, उन्होंने भी बहुत मुझे सिखाया और बहुत प्राउड फील हुआ कि उधर से एक बंदा आता है और हमें अपना बोल के सिखाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपनी टीम ने भी कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि बाकी प्रोफेशनल की तरह रहो, फ्रेंडली कोई नहीं रहो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और ऐसे ही काम करते जाएंगे, बस यही दुआ मांगता हूँ। हाय, मेरा नाम कमल याकूब है, मैं बीस जिला तालुका अंबाजी में से हूँ। इस मूवी में काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और एक्चुअली ये राजस्थान से आए बात करें सर और उदय सर के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, तो इनके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं हो सके तो और दूसरा इनका प्रोजेक्ट होगा, 2 हो गए या 4 हो गए या 5 हो गए, उसमें काम करना चाहूँगा। इसीलिए मैं थैंक यू करता हूँ सर को। नमस्कार, माझं नाव हेमंत गायकवाड, मी कालच या शेवटच्या टीमच्या सेटवर आलो आणि यासाठी आलो का, यामध्ये माझी मावशी जन काम करते मेन ॲक्टिंग ते बघण्यासाठी आलो। पण हे जर एवढी सरांनी एक चान्स दिला छोटा गावना विदाउट डायलॉग, त्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो एवढी सर। आणि भविष्यात राजकिरण सरासोबत अजून एक सिनेमा करायचं मी प्रॉमिस देतो सरांना। आणि खूप चांगलं वाटलं, असंच प्राऊड फिलेट होत आहे का एवढी सरांनी सर्व ग्राम सर्व जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील कलाकार एकत्र करून त्यांचं पूर्ण मॅनेजमेंट करून हे सर्व ॲक्टिंगचं चालवत आहेत, त्याच्यासाठी एवढी सरांचं खूप खूप अभिनंदन। आणि सर्वात खास माझ्या मावशीची ॲक्टिंग बघण्यासाठी मी इथं काल आलो आणि सरांनी काल राहायला एक चान्स दिला, त्याच्याबद्दल खूप अभिनंदन। एक मिनिट, 3 जण आहेत, 2 छोटी बच्चे आहेत संतोष साहिली, एक बार कट करो, कट करे आए भाई, नहीं कट करके एक वीडियो बना लो हम दोनों के हम